मारुति फ्रंटी है, मारुति कार 800। तो ये गाड़ी फ्रेंड स्टार्टिंग ट्रबल है गाड़ी के अंदर। तो मैं विजिट में गया था और गाड़ी को स्टार्ट करके आया हूँ, लेकिन अब जो प्रॉब्लम हुआ था मैं आपको दोबारा बताने वाला हूँ क्या प्रॉब्लम था। फ्रेंड्स, गाड़ी तो मैंने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अब से फिर से जो प्रॉब्लम हुआ था मैंने वैसे गाड़ी को कर दिया है और शॉप पे लेके आया हूँ। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंजन चेक का पूरा लाइट आ रहा है, लेकिन गाड़ी को सेल्फ लगाते स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट नहीं हो रही है फ्रेंड्स, मैं सेल्फ लगाता हूँ फिर से यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कोई भी गाड़ी के अंदर स्टार्ट नहीं होती है तो दो प्रॉब्लम होते हैं, एक फ्यूल का प्रॉब्लम रहता है और एक करंट का। तो इसके अंदर तो मैंने चेक कर लिया है, गाड़ी को स्टार्ट करके मैं शॉप पे लेके आया हूँ, तो लेकिन आपको दिखाने के लिए करता हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर करंट नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो करंट सीरीज से डायरेक्ट भी हम चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ पहले। तो ये वायर भी टूटा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन करंट दिखाई देगा आपको इसके अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वायर भी चेंज करने वाले हैं, लेकिन अभी करंट दिखाई देगा, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। तो गाड़ी को सेल्फ लगाता हूँ, यहाँ पे जो करंट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, सेल्फ लगाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा तरीका मैन्युअल है, वो भी दिखाता हूँ। सीरीज लाओ, एक बार यहाँ पे लगाओ। तो इग्निशन ऑन रखना चाहिए फ्रेंड्स हमें, और ये बल्ब है, सीरीज बोलते हैं इसको, एक अर्थिंग पे दिया हुआ है और दूसरा प्लस में देंगे तो हम ये सीरीज जलना चाहिए, ठीक है। तो ये जल रही है फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख सकते हो बल्ब जल रहा है यहाँ पे, लेकिन यही तार में सीधा यहीं से यहाँ पे लूंगा तो भी आना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, के दिखाने वाली चीज़ यही है, ये रेजिस्टेंस फ्यूज है जो वो ख़राब हो गया है। तो जो इग्निशन का लाइट है वो यहाँ तक आता है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन यहाँ आता नहीं है। तो इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और इसकी वजह से मेन कॉइल को करंट नहीं मिल रहा है और यहाँ पर पार्क नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है रास्ते में तो क्या करना चाहिए। तो ये सेल्फ से वायर आता है हमारा और ये इग्निशन का है, तो ये निकाल के छोड़ देना है और यही वायर को यहाँ पे लगाना है टेम्पररी फ्रेंड्स, लगाना है सेल्फ, करंट आता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, तो करंट परफेक्ट है फ्रेंड्स। तो अब ये वायर लगा देते हैं हम यहाँ पे और गाड़ी करते हैं स्टार्ट, तो हो जाएगा। तो ये गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स, करते फिर से ऑफ इंजन। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी स्टार्ट है। तो ये रेजिस्टेंस फ्यूज के अंदर प्रॉब्लम है, तो करने वाले हैं न्यू फ्यूज हम और ये वायर न्यू डालने वाले हैं। ये रेजिस्टेंस फ्यूज है फ्रेंड्स, जो पुराने वाला, यहाँ पे तो ऐसी पिन आती है फ्रेंड्स, लेकिन पहले से वायर लगा हुआ है, उसकी कोई बात नहीं है। ये स्प्रिंग है जो वोल्टेज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करती है, ये टूट गई है फ्रेंड्स बीच में से। ये ना बहुत हीट होता है फ्रेंड्स, बहुत हीट होता है। तो ये मॉइस्चर वाले वातावरण, मॉइस्चर वाले वेदर के अंदर जब भी ये ज़्यादातर इसकी प्रॉब्लम आती है। स्प्रिंग बीच में से टूट गई है फ्रेंड्स, इसकी वजह से यहाँ से वोल्टेज यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। ये नया लेके आए, नया डाल देंगे, हो जाएगा। और ये वायर भी यहाँ से आप देख सकते हो टूटा हुआ है, तो यूनियो डाल देंगे हम। यहाँ पे लगा रहता है, ये वायर भी न्यू डाल दिया, ठीक है। तो डालते ये फ्यूज हो रहे। तो फ्रेंड्स, प्लग वायर और ये रेजिस्टेंस फ्यूज हमने न्यू डाल दिया है फ्रेंड्स, और अब करंट चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आ रहा है कंप्लीट, यहाँ पे भी आ रहा है कंप्लीट, पहले नहीं आ रहा था जो यहाँ पे रखा, और यहाँ पे भी अब आ गया फ्रेंड्स कंप्लीट।
यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा प्रकाश डालेगा बल्ब, और यहाँ के थोड़ा वोल्टेज कम हो जाता है तो थोड़ा डिम जलेगा बल्ब ये, ठीक है। अब यहाँ पे करंट चेक करता हूँ, सेल्फ लगाता हूँ मैं, तो वोल्टेज परफेक्ट है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे डाल के गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, पाना पकड़ ले लो वहाँ से सब उसको फ्रेंड्स, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। तो कार स्टार्ट है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर, ये फ्यूज का प्रॉब्लम था। बारिश के मौसम में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, मारुति कार 800 ये। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मारुति ओमनी ओल्ड मॉडल एंड मारुति कार 800 सेम इंजन रहता है वायरिंग के हिसाब से, तो ये प्रॉब्लम चेक कर सकते हो आप।